नेशनल न्यूज़नुमा देखने वाले तमाम नाज़रीन को ताहिर विकी का सलाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मसीही कौम का हीरो जॉनसन तारिक। एक जानी पहचानी अब शख्सियत ये बन गए हैं। 23 मार्च योम पाकिस्तान वाले दिन उनको इस्लामाबाद में बुलाया गया और हुकूमत वक्त ने उनको किस तरह का रिस्पॉन्स दिया, आइए आज हम उनके साथ इस पे सारी गुफ्तगू करते हैं। जॉनसन भाई, हम आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, योम पाकिस्तान 23 मार्च को आपको इस्लामाबाद में बुलाया गया, आपको कैसा रिस्पांस हुकूमत वक्त की तरफ से? पहले मसीह में सबको सलाम। ये मेरी रिवाज से फख्र की बात है और मेरी कौम के लिए कि मुझे खुदा ने इज्जत बख्शी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ISPR का और सरदारी साहब का और शुभाशिव साहब का और जनरल आसम मीर साहब का कि उन्होंने मुझे ये इस लाइक समझा कि आपको वहाँ पे बुलाया गया। मुझे वहाँ बुलाया गया और मुझे वो एजाज़ दिया गया कि जो मैं सोच जो भी नहीं कभी सोचा भी सोच भी नहीं सकता था। और ये मेरे सारा खुदावन आपको पूरी दुनिया में देखा गया, आप उनको जब आपका नेम लेके खड़ा किया गया, उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? वो तो मैं लफ्जों में बयान कभी नहीं आपने सोचा भी ना था कि नहीं, वो तो सर मैं लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकता। और उधर कम से कम 90+ प्राइड ऑफ पाकिस्तान थे और सबसे फर्स्ट पे पहले मुझे अनाउंस किया कि खराज तस्लीम पेश किया, क्योंकि उनको पता टाइम शॉर्ट है तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुझे ही बिठाया है फर्स्ट पे। और सबसे पहले मुझे ही उन्होंने मेरे नाम का अनाउंसमेंट किया और उन्होंने कहा कि खराज तस्लीम पेश किया, क्योंकि उधर और भी लोग इतना टाइम नहीं था उनके पास, बाकी और भी काफ़ी प्रेयर्स वगैरह ये वगैरह थी। तो आपकी किस किस पर्सनैलिटी के साथ वहाँ पे मुलाकात हुई? उधर हम इनके जो जनरल अरफान साहब है ना जी जी, उनसे मेरी उन्होंने मुझे थपकी दे के इनके उनके बबर शेर। ओके गुड। तो बाकी और आपको पता इतनी क्राउड था तो मिलने का मौका नहीं मिला। ठीक है। बाकी काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने अप्रिशिएट किया, DG साहब से, इन लोग काफ़ी जी। अच्छा जॉनसन भाई, आपको जितने भी पंजाब के मिसाल सेंटर बने हैं उनका आपको एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया है, तो जब से आपको मुकर्रर किया गया क्या आपको नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया? नहीं, अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक थोड़ा एक मेरा मोहल्ले की काम था उस सिलसिले मुझे DIG साहब के पास जाना पड़ा, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मुझे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन जब SSP ऑपरेशन अली रजा साहब मुझे मिलते हैं ना तो मुझे हग करते हैं, मुझे मिलते बड़ा रिस्पांस देते हैं कि यार तुम डायरेक्ट क्यों नहीं मेरे पास आया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन अभी तक इस तरह इल्तवा का शिकार क्यों है नोटिफिकेशन, आपने पता नहीं किया इसके बारे में? क्योंकि मैं एक मरतबा गया था लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा बिजनेस में और कुछ ये खुदा ने जो इज्जत दी है इंटरव्यूज वगैरह ये काफ़ी लोग, मैं किसी को मना भी नहीं करता कि यार नहीं, क्योंकि ये लोग कहेंगे फिर कब्र में आ गए या खुदा ने इसको इज्जत दी है, मैं इसलिए किसी को ना भी आज भी कल भी मेरे इंटरव्यू हुए हैं और लाइव में हम न्यूज़ वगैरह पे उस आज भी जियो पे भी है, इनके ये सारा सिस्टम मेरा है। तो लेकिन मैं इसलिए मैं उधर टाइम नहीं दे पा रहा कि ना अपने बिजनेस में टाइम दे पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, काफ़ी आपको मीडिया ने अपने हाथे लिया हो जी। अभी मुझे आपके आने एक बड़ी खास एक सवाल है, जब ये इच्छा में वाकया हुआ था तो जॉनसन भाई, जिन मियाँ बीवी को आपने बचाया क्या कभी उन्होंने आपके साथ रब्ता करके आपका शुक्रिया अदा किया? नहीं नहीं, उन्होंने कभी रब्ता नहीं, कभी रब्ता ही नहीं किया। अच्छा चलें, इस वाकया के बाद कभी भी आपको डर खौफ लगा हो आने जाने में, अब जब मैं घर से निकलने में या दुकान बंद करके जाने में? देखिए जी, एक तो खुदावंद मेरे साथ है, दूसरा ये है कि जब मैं दुकान पर बैठा होता हूँ ना, हर बंदा मुझे ना दे के गुजरता है कि वो जॉनसन बैठा हुआ है, वो लड़का बैठा हुआ है, और मुझे नहीं पता कि वो किस नज़रिए से कह रहे हैं किस नज़रिए से नहीं कह रहे। अब मैंने सारा कुछ खुदावंद पे छोड़ा हुआ है। नहीं देखें, आप जब जाते हैं तो कभी आपको डर खौफ नहीं लगा? अब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज महसूस करता हूँ कि, और यही दुआ करता हूँ यार बाप, आपके घर वालों में, अब मैं जब जितनी देर मैं घर नहीं जाता मेरे अब्बू से ही सोते नहीं, और बच्चे बच्चे भी आपको जब था मैंने घर नहीं उन्होंने सुना नहीं है। अच्छा, आपने ये जो बहादुरी का मुजाहरा किया है जॉनसन साहब, आपने
कौम का तो सर फ़खर से बुलंद किया ही किया है। आपकी फैमिली के क्या तासुरात हैं आपके? मेरे भाई और अम्मी अबू तो खुश हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो इसमें मेरे जो कज़न हैं, इनके ताया अबू के चाचू के बेटे, मेरे बहन हुई बहन, ये तो इतना खुश हैं कि उन्होंने मेरे हर वक्त स्टेटस इनकी हर चीज़ एनी टाइम मेरे अपने मोबाइल में मेरे लगाया होता है। अच्छा, आप बता रहे थे एक मरतबा के रमेश अरोड़ा साहब भी आपके घर? नहीं, वो नहीं मेरे पास है। वो बोला था उन्होंने लेकिन नहीं आए। अरोड़ा साहब आपके घर नहीं आए? वुमेन राइट्स के मिनिस्टर खलील ताहिर संधू साहब, कोई यानी कि दोनों मिनिस्ट्रियों में से कोई भी आपके पास नहीं आया? ये वैसे एक लम्हा फिक्री है और सोचने वाली बात है कि ये इन दोनों का जो ताल्लुक है मिनोरिटी और ह्यूमन राइट्स से है, तो ये दोनों मिनिस्ट्रियों के वजीर हैं और इनमें से कोई भी आपके पास नहीं आया, तो ये अफसोस की बात है। तो अब दोबारा इन्होंने आपसे किसी ने रब्ता भी नहीं किया? नहीं नहीं, कोई रब्ता नहीं किया। हाँ, एक दिन मुझे रात को 1:30 बजे कॉल आती है और उस टाइम मैं परेशान भी रहता हूँ, मेरी दोनों मम्मी भी झाग रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि तेरा घर कितने वे जॉनसन बोले। मैं क्या, मैं क्या हो, मैं तू पूछना क्यों, मैं कौन है तू? अच्छा, ये कौन था? ये बाद में जब कहता है मैं पुलिस वाला, मैं कहता मैंने क्यों कॉल की थी, मेरा घर एड्रेस क्यों पूछना पे? कहता मैं पुलिस वाला, मैं क्या, मैं करा जैसे वो पंजाबी लैंग्वेज करवाया, मैं आपको बता रहा हूँ जैसी लैंग्वेज में वो बोल रहा था वैसी लैंग्वेज मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो वो कहता है कि मैं पुलिस वाला था, मैं क्या, मैं क्यों तुम्हें एड्रेस दूँ, मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तो खुदा का शुक्र है जिस थाने का वो था ना, उस इलाके में खुदा ने बड़ी इज्जत दी हुई है। उसके 5 मिनट बाद फिर फोन करते हैं वो प्राइवेट नंबर, इनके अपने नंबर से, इनके ना उसने थाने के नंबर से गवर्नमेंट के नंबर से फ़ोन किया। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन करता है और कहता है कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैं कवाल साहब, सर सॉरी मैं ना आप उसको आपको ना यही रमेश सिंह रोड़ा साहब ने जो हमारे वजीर हैं उन्होंने मिलना है, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपके घर का पता पूछा। मैं क्या भाई, पहले ली बात आप बाद में बोल रहे हो, बाद वाली बात पहले बोल रहे हो। आपने कहा नहीं कि मैंने तो भैया खुदा के नाम पे जो इतना बड़ा काम कर दिया, मैं तो सिक्योरिटी नहीं रखता। हाँ, तो मुझे उस टाइम मेरे बच्चे डर गए थे। ओके, मैं उस टाइम खुद कंफ्यूज हो गया, मेरे घर का एड्रेस क्यों पूछ रहा है। फिर आपने क्या हल किया इसका? फिर मैंने मेरे एक दोस्त से, मैंने उसको उसी टाइम फोन, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की, फिर मैंने उस दोस्त को फोन किया, कहता है तूने एक तो उसका तुक्की नहीं बंदा, 8:30 बजे फोन करना। ठीक है। अच्छा, ये फोन आपको अगली तिमूर के जो वजीर है रमेश अरोड़ा के, उनका कोई कार्य खास था? नहीं, वो उसने फोन किया था शिकाबाद थाने के मरर होता है, उसने किया था। अच्छा, मरर ने किया था, ठीक। बाद में उसने बोला, पहले नहीं मुझे पता। ठीक है। अच्छा जॉनसन भाई, आप क्या समझते हैं इस वाक्य के बाद आपके कारोबार में कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं, कारोबार में फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं थोड़ी कंफ्यूजन महसूस करता हूँ कि यार क्या महसूस करते हैं आप कंफ्यूजन? जब दुकान पे मैं बैठा होता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं कि वो बैठा हुआ, वो बैठा, अब वो किस तरह से नजरिए से देखते हैं, मैं हाँ वैसे में देखते हैं ना, वो बैठा हुआ लड़का, वो बैठा हुआ है। कई लोग तो अप्रिशिएट भी कर जाते हैं, लेकिन हर बंदे का तो नहीं पता किस नीयत से देख रहे हैं। क्योंकि मैं तो चौक में, आपको पता मेरी दुकान देखी आपने, मैं तो बैठा था उधर, अब वो किस नीचे से देखते हैं, आई डोंट नो। आपके पास कभी भी जो मुतलका थाने के जो SHO हैं और जो भी इंतजामिया हैं, उन्होंने कभी आके आपके पूछा हो कि यार आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कभी। वैसे तो आपको अब मसाग सेंटरों का एंबेसडर बना दिया गया है, तो आप समझते हैं कि इसमें अब जितने भी कोई हमांगी के प्रोग्राम हुए, आपने कोई एक प्रोग्राम अटेंड किया? कभी इनवाइट ही नहीं किया उन्होंने, कभी इनवाइट ही नहीं किया। आईजी साहब, ये सोचने वाली बात है कि आपने एक बंदे को मुकर्रर किया है मिसाक सेंटर का एम्बेसडर बनाया है, तो उनको जितने भी हमारगी के प्रोग्राम होते हैं कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया, तो आपको अगर इनवाइट नहीं किया तो नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया, तो आप इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं आप आगे आईजी साहब से बात करते? विक्की भाई, मुझे तो इस चीज़ का लालच नहीं है, इज्जत मुझे खुद आने देनी है, और जहाँ तक मैं हो सका अपनी कौम के लिए और बाकियों के लिए भी मैं मदद करूंगा। मुझे इस चीज़ का लालच नहीं है,
कि मुझे एम्बेसडर बनाया गया है, ये वो है। और जहाँ तक मेरे भाई वैसे भी फ्लाई काम में होते हैं, ठीक है, और मुझे वो कहते हैं हम तुम्हें साथ लेके चलेंगे, तुम्हें गाइड करेंगे कैसे क्या करना है। जॉनसन भाई, आप अपनी मसीह कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यही अपनी कौम से मैसेज है, एक तो मैं फख्र करता हूँ कि मैं मसीह घराने में पैदा हुआ हूँ और मसीह का पैरोकार हूँ। यस, और मेरी अपने बहन भाई से यही गुजारिश है कि वो मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से और एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर किसी भी ऐसी जगह किसी को ज़रूरत पड़े, वो बिना झिझक खुदा का नाम लेके दिलेरी दिखाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जॉनसन भाई, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने का और इतना टाइम देने का। नाज़रीन, आपने जॉनसन तारिक की गुफ्तगू सुनी, और जिस तरह से ये हाल ही में 23 मार्च यौम पाकिस्तान वाले दिन सिख कम्युनिटी के 2 सरदारों को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, हम गिला तो नहीं करते लेकिन सवाल करते हैं, अगर एक तमगा जॉनसन तारिक के नाम भी कर दिया जाता तो मसीह कौम और हुकूमत वफ्त की शुक्रगुजार होती। इसके साथ ही मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए।